Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सौम्या, गुड मॉर्निंग। तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। ओके, बॉय, ये मैथ्स वाले ग्रुप में भी, बॉयज और गर्ल्स का जो ग्रुप है उसमें भी लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर वन, लेवल वन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो 45 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं लेवल वन का। तो 45 से 51 में कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सचम, गुड मॉर्निंग हेमंत। 45 से 51 गुड मॉर्निंग संदीप। फोर्टी फाइव से 51 के बीच में कोई डाउट डाउट है तो कमेंट में आप लोग भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग आरुषि, गुड मॉर्निंग जनार्दन चौहान, गुड मॉर्निंग अभिषेक। 45 से 51 के बीच में कोई डाउट लेवल वन में? ओके, सौम्या 49। क्वेश्चन नंबर 49, तो बोल रहा है इन कोल्ड कंट्रीज इथाइल इथिलीन ग्लाइकोल एडेड टू वाटर इन रेडिएटर ऑफ कार ड्यूरिंग विंटर। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या बेटा? तो इथिलीन ग्लाइकोल एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। और याद करिए कि जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो और भी कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्यों यूज करते हैं? टू लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देंगे तो
जल्दी आपका क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वाटर, वो जो कूलेंट की तरह यूज करते हैं, तो जल्दी आपका आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी यूज द इथिलीन ग्लाइकोल इन एडेड इन द वाटर इन द रेडिएटर ऑफ कार। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए तो रेडिएटर क्या होगा, रेडिएटर में हमने जो पानी डाला है वो बर्फ में कन्वर्ट न होने पाए, ठीक है। तो 49 का आंसर था। अब अगला डाउट 45 से 50, और कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में 52 से 57 के बीच में डाउट, 52 से 57 लेवल वन डिस्कस कर रहा है, 52 से 57 के बीच में डाउट है बेटा। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं वही इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं ना। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आप लोगों को आइडिया है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या ये कंसीडर करता है, कि आपके जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो मे बी सॉल्यूशन में डालने के बाद उनका नंबर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकते हैं, तो उसको ये कंसीडर करता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, 58 से 67 के बीच में कोई डाउट, लेवल वन 58 से 67 के बीच में कोई डाउट, ओके, सौम्या 66, ओके, तो देखते हैं बेटा 66 क्वेश्चन। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन देन वांट ऑफ फैक्टर इज, अगर देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा, अगर देखिए इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो तो कंफर्म है, वाटर का केस अगर है तो डिसोसिएट ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन ही क्या है, विच डिसोसिएट इन वाटर, तो अगर डिसोसिएट हो रहा है, अच्छा लिख भी रहा है विच डिसोसिएट, तो डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि वांट ऑफ फैक्टर तो क्या होगा, वन से बड़ा ही होगा, न ही वन हो सकता है, न ही वन से छोटा हो सकता है, मीन्स ग्रेटर देन वन। सौम्या आरुषि ओके, गुड मॉर्निंग नयन, समझ में आ गया सौम्या और आरुषि, सौम्या आरुषि, ठीक है ना। तो ये है 66 का, अब एक क्वेश्चन आ गया 56, गुड मॉर्निंग अपर्णा, गुड मॉर्निंग अभिषेक, तो 66 क्वेश्चन हो गया है। अब 56 पूछा है, लेवल वन का है, मैं बता रहा हूं लेवल वन का 56 है, तो लेवल वन का 56 आपके सामने है। क्या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट ऑफ लॉ फॉर द सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज, वही बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, वही ऑस्मोटिक पाई इक्वल टू आईसीआरटी की, पाई इक्वल टू आईसीआरटी जो फॉर्मूला है, तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, तो आईसीआरटी, तो पाई क्या होता है, आई कंसंट्रेशन को मैं एनवाई वी आर टी लिख सकता हूं क्या,
तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गुड मॉर्निंग अंकिता, तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर इज ई। ओके चलिए फिर से और कोई डाउट लेवल वन में क्वेश्चन नंबर 67 तक, और कोई डाउट लेवल वन में क्वेश्चन नंबर 67 तक, और कोई डाउट बेटा? ओके 45 ठीक है 45 में एक ही क्या बोला, विच इज फॉलोइंग नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो यार इसमें तो आसान सा है, डेल्टा टी एफ क्या है ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी वी ये क्या है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो तीनों क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। के बी क्या है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द वाटर फॉर एनी सॉल्वेंट, तो ये क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है और कोई डाउट लेवल वन, और कोई डाउट बेटा? नेम समझ में आ गया? लेवल वन और कोई डाउट? लेवल वन ओके, आगे बढ़े। चलिए अब लेवल टू स्टार्ट करते हैं। लेवल टू में एक से पांच के बीच में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर एक से पांच के बीच में कोई डाउट? लेवल टू में क्वेश्चन नंबर एक से पांच के बीच में कोई डाउट? ओके मोदी चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या बोल रहा है? वांट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्व सोल्यूशन एक्स वाई जेड 1.8, 0.8, 2.5, तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होगा? देखिए अब समझिएगा, वांट ऑफ फैक्टर जितना ही ज्यादा है मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे उतने ही ज्यादा होंगे, इतनी बात तो समझ में आ रही है। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा है बेटा तो इसका मतलब क्या ज्यादा होगा? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी। ओके अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट करता है तो देखिए भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा वो बढ़ेगा। वेपर प्रेशर क्या है, जितना ही नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर आपका वो क्या होता है वो घटता जाता है। तो यहां तक बात क्लियर, ठीक है ना? तो अब तो वांट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा है, अगर वांट ऑफ फैक्टर ऑर्डर लिखे तो सबसे कम वाई का, उससे ज्यादा एक्स, सबसे ज्यादा जेड। तो अगर ये वांट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा वाई एक्स जेड, बात समझ आ रही है? तो ए ऑप्शन सही है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उल्टा होगा, जेड सबसे कम कौन होगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जेड का ही होगा। वांट ऑफ फैक्टर इसका ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, उससे कम उससे ज्यादा किसका होगा, एक्स का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा तो वाई का होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर भी सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं, ये ऑप्शन क्या है गलत है।
और वेपर प्रेशर वो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका बॉन्टा फैक्टर क्या है सबसे, यानी कि आपका डी ऑप्शन भी क्या है गलत होगा। तो आप देख लीजिए जिसका बॉन्टा फैक्टर सबसे ज्यादा, तो आंसर ए और बी यहां दोनों करेक्ट है, जिसका बॉन्टा फैक्टर सबसे ज्यादा किसका ज्यादा, तो जेड का ज्यादा। तो इसका बॉलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा, और फ्रिंग पॉइंट क्या होगा बेटा सबसे कम। जिसका वांटा फैक्टर सबसे कम किसका कम, वाई का कम, तो जिसका सबसे कम उसका बॉलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर आंसर ए और बी दोनों सही है, यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। क्लियर यहां पर मोदी, क्लियर आरुषि, क्लियर सौम्या, क्लियर If you are clear, so then okay. चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर फोर था। अब बताइए और कोई डाउट बेटा वन से फाइव के बीच में, वन से फाइव के बीच में कोई डाउट? ओके, वन से फाइव कोई डाउट नहीं है। तो सिक्स सेक्शन में डाउट पूछा है उत्कर्ष ने क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है। बहुत सारे लोग का डाउट है सेवन उत्कर्ष सौम्या यानी किसना पढ़ना, ठीक है सेवन देखते हैं। क्या बोल रहा बेटा, 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड हैज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना, क्लियर रहता है एटॉमिसिटी बताइए। तो ये क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है तो डेल्टा टी एफ क्या होगा फॉर्मूला सिंपल आई ए एफ एम, ओके। अब यहां देखिए कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो वांटा फैक्टर आपको वन ले लेना है, यह ध्यान दीजिएगा। और के एफ दे रखा डेटा कितना तो 0.1, और डिप्रेशन कितना का कव रखा है तो डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना बेटा 0.01 ये दे रखा है, और सल्फर का मास दे रखा है 2.56। तो बस डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ कैसेंगे 0.01 आई वन के एफ 0.1 और मोलैरिटी, तो मोल 2.5 मोलर मास मान लीजिए एम एस सल्फर का, क्योंकि ये सल्फर हमने सल्फर का लेके चलेंगे 32 नहीं लेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है, ओके वही निकालनी है। और सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम तो इंटू 100 और इंटू 10^-3 ग्राम को केजी में चेंज करना है। इसमें देखिए अनोन एम है तो एम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या होगा 0.1 इंटू 2.56 इंटू 10 ये कट जाएगा और नीचे आएगा 0.01, कोई दिक्कत 0.01 ये हो जाएगा 1, तो 2.56 इंटू 10^-2 यानी कि 256 ये मान लें। तो कितनी एटॉमिसिटी होगी, तो मान लो कि सल्फर का मोलर मास कितना होता है वो 32 होता है, और मान लीजिए सल्फर जो है वो कौन सा एस एन एटॉमिसिटी एन है, तो क्या लिखेंगे 32N = 256, एन कितना होगा बेटा 256/32, तो 8^24 यानी एन आ गया 8, यानी कौन सा सल्फर है बेटा S8, एटॉमिसिटी इज S8, एटॉमिसिटी कितनी बेटा 8, आंसर क्या हो जाएगा डी, समझ में आ गया। सौम्या यंतिसा उत्कर्ष अपर्णा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए पूछिए अंडर 10 और कोई डाउट?
अंडर टेन और कोई डाउट बेटा? अंडर टेन, एक छह से दस के बीच में कोई डाउट? ग्यारह से पंद्रह के बीच में कोई डाउट? ग्यारह से पंद्रह के बीच में कोई डाउट बेटा? ग्यारह से पंद्रह के बीच में कोई डाउट? चौदहवां रोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 सौम्या ने पूछा है डाउट, तो हम लोग स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके 11 एम दिशा, हाँ बता रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं ठीक है। क्या है कॉम्प्लेक्स है भैया जिसमें क्या है के प्लस है, प्लेटिनम का प्लस फोर है और सीएल माइनस है, यानी कि ये आयन है पोटेशियम प्लस प्लेटिनम प्लस फोर सीएल माइनस, 100% आयनाइज हो रहा है और वांटा फैक्टर 3 है, तो वो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा ठीक है ना। तो बस जैसे देखिए सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, जैसे K2 प्लेटिनम सीएल फोर है ये जो देगा, तो यहां पर देखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर है वो फर्दर टूटेगा नहीं, तो कितना देगा 2 के प्लस देगा और एक क्या देगा प्लेटिनम सीएल फोर और प्लस 2 है तो यहां के बचा देगा, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी कितना हो बेटा, तो K2 प्लेटिनम सीएल सिक्स, तो क्या देगा बेटा 2 के प्लस और अंदर क्या होगा प्लेटिनम सीएल सिक्स माइनस 2, ये पूरा एक साथ रहेगा, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। सी ऑप्शन क्या होगा, तो K3 प्लेटिनम सीएल फाइव है तो क्या देगा 3K प्लस प्लस प्लेटिनम सीएल फाइव और चार होगा माइनस 3, और ऐसे डी ऑप्शन के प्लेटिनम सीएल थ्री क्या देगा K प्लस और क्या देगा साथ में प्लेटिनम सीएल थ्री पर माइनस 4। तो ये ठीक चार, ये बात तो समझ में आ जाए ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें वांटा फैक्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयन 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो वांटा फैक्टर मीन टोटल नंबर ऑफ आयन, यहाँ 2 और 1 यानी यहाँ वांटा फैक्टर कितना 3 है, यहाँ भी 2 और 1 आयन है 3 है, यहाँ 3 और 1 कितना है 4 है, तो यहाँ वांटा फैक्टर 4, यहाँ 1 और 1 2 आयन है तो वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2। वांटा फैक्टर दे रखा 3 ही होना चाहिए, तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, तो न ही सी होगा और न ही डू होगा। अब यहां पर ए और बी तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं वांटा फैक्टर के, अब इनमें से कौन सा सही है, उसने क्या बात कर रखा है के प्लस हो प्लेटिनम भी हो सी माइनस हो, तो दोनों में फिर क्या बोला है, देखो के पे प्लस होता है सीएल का माइनस ही होता है, लेकिन प्लेटिनम क्या होना चाहिए, प्लेटिनम आपका होना चाहिए बोल रहा है वो, कि प्लेटिनम क्या चार्ज होना चाहिए प्लस 4। अब देखते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स को आयन को, अब आप जरा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट निकालना, आप लोगों ने क्लास 11 में सीख रखा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालिए तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए प्लेटिनम का एक्स है क्या लिखेंगे एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या बेटा 2 आएगी, यानी कि यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 2 है, और इसका मान लीजिए एक्स एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, यहां से एक्स वैल्यू क्या आएगी 4, यानी यहां कितना बेटा 4, यानी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑप्शन कौन सा है, वो बी ऑप्शन है, आंसर होगा बी ठीक है। और वैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पूरा 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, तो फर्दर और डिस्कशन होगा, बट इतना तो आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ रहा होगा। और ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, इसकी क्वालिटी होती है कि फर्दर ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी प्लेटिनम और सीएल टूटेगा नहीं, तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो 14 हो गया, अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यंतिका ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग इच सॉल्ट टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कंप्लीट डिसोसिएट, पहला चीज की किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका वांटा फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, और वांटा फैक्टर किसका ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ आयन क्या देगा सबसे ज्यादा देगा। ठीक, ओके, तो आई इंटू कंसेंट्रेशन भी कर लीजिए, क्या होता है आई, तो कंसेंट्रेशन भी दे रखा है, तो आई इंटू कंसेंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसी का, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, आर और टी अगर कॉन्स्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। ओके, अब डेसी मोलर मतलब कि 0.1 मोलर, और Al2SO4 साइज, वांटा फैक्टर कितना होगा बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना देगा, तो दो एल्यूमिनियम आयन और तीन सल्फेट आयन, तो टोटल आयन कितने लेंगे, पांच, तो इसका जो वांटा फैक्टर होगा वो होगा पांच। वांटा फैक्टर निकालना गया टोटल नंबर ऑफ आयन। दूसरा है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, टोटल आयन कितना है, बेरियम का दो सीएल, यानी कि इसका वांटा फैक्टर तीन, और 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, इसमें टोटल दो और एक तीन, इसका वांटा फैक्टर तीन, ध्यान दीजिएगा, और कंसंट्रेशन दे रखा है तो सबका कंसंट्रेशन सेम है, आई इंटू सी क्या होगा 0.5 0.3 0.3, तो इन ऑप्शन ए बी और सी में सबसे ज्यादा अभी ए का दिख रहा फिलहाल, और अभी डी देखना है। ऑप्शन डी में इन्होंने क्या बोल दिया है, ऑप्शन डी में ये जो बोल रहा है क्या, अ सॉल्यूशन ऑप्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ इक्वल वैल्यूम ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी को पहले क्या करिए मिला लीजिए, तो बी क्या देखिए, तो बी में क्या देखिए, बेरियम क्लोराइड है, अच्छा क्वेश्चन है, सी में क्या है, सोडियम सल्फेट है, और फिर उसको क्या कर लीजिए, लिखा है फिल्टर कर लीजिए, क्यों बोल रहा है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, अब बैलेंस कर लीजिए 2NaCl, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब आपको ये रिएक्शन पता है कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, तो इक्वल वैल्यूम, यानी 0.1 मोलर ये भी है, इसका वैल्यूम भी है, 0.1 मोलर ये भी है, इसका वैल्यूम भी है, तो दोनों का वैल्यूम क्या है, सेम है, मोल भी सेम है, यानी रिएक्शन के बाद दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और ये भी कितना मोल बनेगा, तो 0.1 मोल इंटू वी, और ये कितना बनेगा, 0.2 मोल इंटू वी। कोई दिक्कत, तो ये बनेगा, जिसमें तो फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट कर लिया, मतलब कि बेरियम सल्फेट तो बेटा क्या आ जाएगा, फिल्टर करेंगे छन्नी में छानेंगे तो बेरियम सल्फेट तो खत्म हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन में बचेगा नहीं, तो क्या बचा, NaCl, तो NaCl का कंसेंट्रेशन अब क्या निकालेंगे बेटा, कंसेंट्रेशन, तो कितना मोल है, 0.2 एम इंटू वी, और कितना वैल्यूम है, तो वी प्लस वी यानी कि 2V, तो कितना गया बेटा, 0.1 मोलर, यानी फाइनल जो मिक्स करने बाद सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 मोलर, तो अगेन आई कितना है, आई क्या होगा, सिर्फ NaCl है तो वांटा फैक्टर 2, कंसेंट्रेशन कितना है बेटा, 0.1 मोलर, तो आई इंटू सी क्या होगा, 0.2 मोलर, इसका आई इंटू सी 0.2 मोलर, इसका आई इंटू सी 0.5 0.5 0.3, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा ए। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन एक कब होता है, जब पूछता कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, तो ऑप्शन डी कितना आया है,
0.2 मोलर, तो ऑप्शन डी में देखिए इतना काम करना था हमें। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन डी में इतना काम करना था। तो यंतिसा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन डी के डी का ये रिएक्शन कराकर देखा होगा कि भाई बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है वो तो निकल ही जाएगा, सोल्यूशन सिर्फ क्या बचेगा NaCl, और वांटा फैक्टर 2 होगा NaCl का, कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर निकल कर आया। तब तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और अगर आपने बात ध्यान नहीं दिया था तो ये बात अभी आप सभी लोग ध्यान दे देंगे जो यंतिसा ने पूछ के अच्छा किया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 ओके, यंतिसा क्वेश्चन नंबर 11 ओके, अगर ओके है तो आप लोग यस अपना बोल दें, ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू फर्दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ओके सौमिया, वेरी गुड यंतिसा। 11 से 15 हो गया, 16 से बीच में कोई डाउट? बेटा सोलर सिस्टम को डाउट नहीं है? 21 से 25 में कोई डाउट? आवाज मेरी आ रही है ना सबको? 21 से 25 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? 25 में? 26 से 30 में कोई डाउट? 26 से 30 में कोई डाउट? इकतीस से 35 के बीच में कोई डाउट? 31 से 35 के बीच में कोई डाउट? 31 क्वेश्चन, 31 आप लोगों के सामने है। तो क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? व्हाट इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? तो भैया केएफ का ही नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्या बोला है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पहले बात क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। तो के एफ क्या होता है? तो डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो के एफ कैसे डिफाइन करोगी? डेल्टा टी एफ मतलब क्या होगा बेटा? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट पर मोल, पर मोलल। क्या बोलोगी? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट पर मोलल, या पर मोलल को और क्या बोल सकते हैं?
पर मोलर को क्या बोल सकते हैं, मोलर को मोल पर केजी आप सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है ओके। तो क्या होगा गैस पे कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन बी जो दिख रहा है, ऑप्शन ए देखिए, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 1 ग्राम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा बेटा गलत। ऑप्शन बी देखिए, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी देखिए, इज एलिवेशन, एलिवेशन तो होता है नहीं भाई, ये तो गलत है। इज अ फैक्टर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गलत है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कैलकुलेट में यूज होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी ओके। सौम्या चलिए 31 से 35 के बीच में और कोई डाउट? अच्छा ओके अपर्णा 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम लोग। अ सॉल्यूट ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन विल शो मॉलिक्यूलर मास क्लोजर टू, ठीक है ना। तो एक सबसे पहली चीज आप समझिए, बेंजोइक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, तो भैया बेंजीन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। सॉल्वेंट क्या किसमें डाल रहे हैं, तो बेंजीन। और मैंने आपको बता रखा है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, वो क्या कर जाता है, वो डाइमराइज कर जाता है। क्या कर जाता है, क्या कर जाता है बेटा, डाइमराइज, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर, ये ट्वाइस क्या बन गया, डाइमर बन गया, यानी 2 से 1 हो गया, यानी वांटा फैक्टर क्या होगा 2 से 1, तो पहले कितना था 2, इनिशियली 2 और बाद में कितना 1, तो 1/2। ओके तो वांटा फैक्टर कितना हो गया 1/2, इतना समझना है, कोई दिक्कत। तो पहले वांटा फैक्टर निकाल, वांटा फैक्टर का लेसन बनोगा, वो भी कितना होगा 1/2 होगा, कैसे लिखा 1/2, तो बाद में कितना है 1 मोल बना, इनिशियल कितना है 2 मोल, तो वांटा फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है ना कि बाद में कितना मोल और इनिशियल मोल। अच्छा वांटा फैक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, याद आ रहा है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला था, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, कोई दिक्कत। तो भैया आपसे क्या पूछ रहा है कि मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या शो करेगा, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है जो एबनॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल तो आपको पता ही है, नॉर्मल तो बेंजीन का पता ही है कितना होता है 78 होता है, सॉरी बेंजोइक एसिड का कितना होगा, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए नॉर्मल, तो क्या होता है C6H5COOH, तो ऐसे निकाल देते हैं नॉर्मल C6H5COOH, तो कितना हो जाएगा 12 से 84, 6 हाइड्रोजन, 90 और 2 ऑक्सीजन, तो 32, तो 90 और 32 122, तो ये नॉर्मल है। तो व्हाट इज एबनॉर्मल को उनपर फॉर्मूला, ऊपर वाला ही नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन वांटा फैक्टर, तो नॉर्मल कितना बेटा 122 है, वांटा फैक्टर कितना है 1/2, कितना हो जाएगा 244 ग्राम, यानी किसके क्लोज होगा 244, आंसर इज बी। आ गया समझ में, आ गया ओके। तो ये भी एक अच्छा आसान था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो जो सॉल्यूट का हमको नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास पता ही है, तो नॉर्मल होता है,
और अंदर जाके डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा, तो उसे क्वांटा फैक्टर निकाल लेंगे, तो बस नॉर्मल को क्वांटा फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये 33 क्वेश्चन था। तो अगला हमारा, और कोई डाउट 36 से 40 के बीच में, कोई डाउट? ओके नयन, तो ये नयन का डाउट है 38, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन अज्यूमिंग NaCl डिसोसिएट 100% इन वाटर, 100% डिसोसिएट हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो व्हाट इज द डेल्टा टीएफ क्या होता है, IKFM। NaCl का I क्या होगा, तो भाई देखो जब 100% डिसोसिएट हो रहा है तो टूट के कितना बनाएगा, दो आयन है, कितना, एक, तो वांटा फैक्टर हमको लगता है आपको निकालने आ गया होगा, वांटा फैक्टर 2, केएफ दे रखा है। अच्छा केएफ जो है, मैंने बोला था वाटर का केएफ आपको याद करना है, मैंने बताया था क्या होता है 1.86 और केबी कितना होता है तो 0.52, तो वैसे आपको ये केएफ केबी याद ही होना चाहिए वाटर के लिए, कोई केएफ केबी वाटर का कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है, सिर्फ वाटर का याद होना चाहिए, जनरली ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, बट तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केएफ के भी वाटर का याद रखिए। तो केएफ कितना बेटा, वही केएफ यहां दे नहीं रखा है, तो 1.86 और मोलल 1 है, तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, तो ये 3.72। कि डेल्टा टीएफ क्या है, तो क्या डी मार देंगे क्या, नहीं, डी गलत होगा, क्वेश्चन क्या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके मैन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, आंसर क्या होता है, आंसर होता है डी, पर उसने क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.72, यानी आंसर क्या होगा, माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, दैट इज माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस, ना कि 3.72 डिग्री सेल्सियस, निगेटिव साइन आ गया, समझ में आ गया मैम। तो आई होप फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस अब आप समझ गई होगी नयन, और आंसर क्या बनेगा बेटा, बी। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन 40 से, मतलब 41 से 45 के बीच में, कोई डाउट? ओके 42 क्वेश्चन नंबर 42 सौम्या का क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करते हैं इसको हम लोग। पढ़ते हैं पहले H2O और परक्लोरिक एसिड फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर 71.6 ऑफ परक्लोरिक एसिड। The boiling point of the solution at this composition is, ठीक है ना, तो बहुत लोग का डाउट है, सौम्या, नयन, संदीप, आकर्ष, अंकिता, ओके अंकिता भी आई है, या अंकिता का लगता है यही डाउट था, पहला डाउट है भाई। चलिए तो अब हम लोग करते हैं, सबसे पहली बात ये लिखा जो है H2O and perchloric acid, H2O और ये क्या है HClO4 परक्लोरिक एसिड, कौन सा डेविएशन है, ऐसे पूछ रहा हूं कौन सा डेविएशन है, तो मैंने बताया था कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन,
एक तो ऐसे जनरल बात पूछ लिया मैंने, क्या बना रहा है और फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, यानी क्या क्या बना लिया है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ऐसे ही जिसका जिसमें पर क्लोरिक एसिड का परसेंटेज कितना है 71.6, ये HClO4 का परसेंटेज है, तो पानी का कितना होगा बचा हुआ 28.4%, इसमें क्या होगा पानी होगा, ये कंपोजिशन होगा और ये कांस्टेंट हो चुका है ऐसे ही को, तो क्या बोलते थे याद करो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या नाम था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। फिर मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं कि कौन सा डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन, तो ये कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो निगेटिव डेविएशन क्या शो करते हैं, जाहिर सी बात है समझने के लिए कि वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कौन सा एग्जांपल है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, जस्ट एक थ्योरी भी रिवाइज करा रहा हूं, इसी से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोजिशन, अच्छा ठीक है, अब क्या दे रखा है HClO4 का बॉइलिंग पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, 383 केल्विन, और पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 373 केल्विन, तो इन दोनों का हमको बॉइलिंग पॉइंट पता है, पानी का नहीं दे रखा कोई, पानी का हमको पता है, हेलो मनीष गुड आफ्टरनून, यहां तक समझ में आ रहा आप लोग, ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का यही मतलब होता है कि इस मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि जो जो टॉपिक मिक्सचर बन चुका है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है क्या है, वाटर और HClO4, इनसे क्या होगा, इनसे ज्यादा ही होगा, क्या होगा, इनसे ज्यादा ही होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 373 से भी ज्यादा होगा और 383 से भी ज्यादा होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम बोले किससे ज्यादा होगा, 373 से बड़ा हो 383 से बड़ा हो, यानी इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका सीधे हम क्या बोल सकते हैं, 383 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, कोई दोनों से बड़ा है तो कौन सी बात ज्यादा सही है, कि बॉइलिंग पॉइंट 383 से क्या होगा, सोल्यूशन का बड़ा होगा, आंसर क्या होगा बेटा सी, अच्छा क्वेश्चन था, और यहीं पर ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का अगर क्वेश्चन होता तब क्या बोलते कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा, कम होगा, यानी कितना आंसर क्या होता, 373 से भी छोटा होता और 383 से भी क्या होता, छोटा होता, यानी किससे छोटा होता, 373 से भी छोटा होता, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां सामने आ गया, तो एजियोट्रॉपिक का इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से आई होप आप लोगों ने बढ़िया से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी यहां समझ लिया होगा और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्या बात निकल कर आ गई यहां पर कि अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में, और अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है तो उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा, बात समझ में आ गया, अंकिता आकर्ष संदीप नयन सौम्या, आई थिंक ये बहुत सारे लोग कोई डाउट होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है बात, ये अगर मैं यहां पे नोट करके लिखवा दूं
क्या फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर कंपोनेंट ए है और बी है और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक का एक्स और एक का वाई है और इनसे बना जो क्या बना है जो मिक्सचर है और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर क्या है जेड है तो क्या होगा, जेड एक्स से भी बड़ा होगा और जेड वाई से ही बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। और फॉर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगेन ए और बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक्स और वाई है और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अगर क्या है जेड है, तब क्या बोलेंगे बेटा, जेड एक्स से भी छोटा होगा और जेड क्या होगा वाई से भी छोटा होगा। ओके, तो ये नोट करके आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, तो काबिले तारीफ है सभी लोगों का वर्कआउट और मुझसे किस आपकी इस मेहनत से मैं इतना तो कंफर्म हो गया हूं कि चाहे आप लोग नीट वाले जो बच्चे मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं और जो मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इसी तरीके से इसी ईमानदारी से काम करते रहें तो 2021 में नीट या मेंस एडवांस में सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होगा, हम लोग अच्छा रैंक भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला और कोई डाउट है बेटा? फोर्टी फाइव तक तो हो गया, 46 से 50 के बीच में कोई डाउट? 46 से 50 के बीच में कोई डाउट? ओके नयन, 47। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वन मोला पे एंड एक्स मोला बी, बी का मोल नहीं पता है, 550। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर फॉर्म दे रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है नयन, तो देखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है नयन, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है? तो पी नॉट ए तो पता है बेटा कितना है, 400। पी नॉट बी जो रखा है 600। मोला ए क्या है, 1 है और मोला बी वो एक्स है और टोटल प्रेशर कितना है, 550। तो मैं इस फॉर्मूले को याद कर मैं ऐसे ले सकता हूं क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बता रखा है मैंने। तो पुट करते हैं, पी नॉट कितना बेटा, पी टी कितना बेटा, तो 550 है, पी नॉट ए कितना है 400 है, पी नॉट बी कितना है 600 है, पी नॉट ए कितना है 400 है और एक्स बी निकाल ले हम लोग, एक अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 550 माइनस 400 कितना हो जाएगा 150, 600 माइनस 400 200, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 150 बटा 200, 3/4, 50 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, एक्स बी की वैल्यू 3/4 आ गई,
कोई दिक्कत? एक्सबी की वैल्यू 3/4 है, तो एक तो तरीका क्या है, हम ऐसे कर सकते हैं एक्सबी को हम कर सकते हैं यहां के हिसाब से, तो मोल ऑफ बी एक्स और टोटल मोल कितना होगा 1+x, लिख सकते हैं क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये भी एक्स बी, ये भी एक्स बी, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, 3/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1+x, तो सॉल्व करेंगे तो 3+cross multiply 3x इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3। तो मोला b कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है मैन, आंसर इज c। और कोई डाउट? 51 से 55 के बीच में कोई डाउट? ओके 53, क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, उत्कर्ष का ये क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, उत्कर्ष ने पूछा है, उत्कर्ष आर्या शुक्ला आकर्ष त्रिपाठी, तो 5% सोल्यूशन ऑफ क्वीन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.87% ऑफ एक्स, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे पहले आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तो लेक्चर नंबर 18 जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर था, आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि अगर सोल्यूशन एक ए है एक सोल्यूशन बी है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, तो कब ये सोल्यूशन आपस में आइसोटोनिक होंगे, जब दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर सोल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स सोल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आईसीआरटी, ओके ये तो होता है आईसीआरटी। तो आप लिख लीजिए I1 P1 RT1 I2 P2 RT2, कुछ नहीं मेंशन कर रखा है, इसका मतलब बेसिक क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोनों सोल्यूशन क्या सेम टेम्परेचर पे, ये डिफॉल्ट बात होती है, R तो कांस्टेंट ही है, तो अगर हम ध्यान दें तो T1 से T2 कटेगा, R से R कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर केन शुगर का वन का फैक्टर तो वन ही होता है, और ये एक्स है, एक्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो जब किसी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कैसा क्या है, तो हमेशा बॉन्टा फैक्टर कह लेते वन लेते हैं, यानी कि आई बी वन आई टू बी वन, यानी सी वन इज इक्वल टू यहाँ फाइनल सी टू आ जाएगा। अच्छा, अब सी वन किसका कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, तो क्या 5% ये हमेशा क्या होता है, ये 5% का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया होता है, इन क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया होता है। ठीक है ना, इतना समझा रहा है, यहां के लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए क्या चाहिए मुझे कि डिवाइड बाई क्या होगा, क्या करते हैं मोलारिटी कैसे चेंज करते हैं बेटा, याद आ रहा है जब मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया तो क्या करते हैं, तो मास बाय, याद करिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी में कैसे चेंज करते हैं, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10/molar mass ऑफ सोल्यूट, ये तो करते हैं, तो सी वन क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10/molar mass ऑफ वन, और ऐसे क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10/molar mass ऑफ सोल्यूट टू, तो यहां क्या 10 से 10 कर जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना दे रखा है इसका, 5 दे रखा है, तो लिखिए 5, और शुगर का क्या होता है मोलर मास, तो 342 होता है, और यहां मास वॉल्यूम परसेंट कितना देखा है 0.877 अपॉन इसका है मोलर मास,
मुझे निकालना है, तो मोलर मास ऑफ एक्स क्या होगा, तो 0.877 इंटू 342 बटे 5। ठीक है अरुण, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5×5 535 5×5 = 0.1754 और 342 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आंसर जो होगा वो ए आ जाएगा, 53 का आंसर, दैट इज 58.98 आंसर ये आ गया। अच्छा तो ये हो गया क्वेश्चन, कौन सा 53 था, किसी ने पूछा है 44, ओके तो 44 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 44 है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, इफ द ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज फाउंड टू बी 31.8। ठीक है ना, अब देखिए बड़ा आसान सा, वांटा फैक्टर क्या है बताया था मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अभी क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, इसी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का एक दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अरे एबनॉर्मल का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या इस ऑब्जर्व को हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल का एक और नाम क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड। तो यही सब नाम है, अब आपको लग रहा है समझ में आएगा, यदि वन का फैक्टर अब लिखेंगे तो कितना है नॉर्मल, तो भाई 58.5 होता है, और ऑब्जर्व कितना है तो वो है 31.8, और देख लीजिए आप टाप टाप वन का फैक्टर ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन वन तो होगा ही होगा, NaCl तो इसलिए तो होगा ही होगा। तो ये हो गया वन का फैक्टर, मुझसे पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू 1+ N-1 इंटू अल्फा, तो I यहां पर दे रखा बेटा 58.5/31.8, 1+ N कितना लेंगे बेटा, 2 लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम NaCl 2 ही आयन दे सकता है, तो अल्फा क्या होगा 58.5/31.8-1, तो घटा लीजिए 58.5-31.8/58.5 कितना हो जाएगा, यहां से 7 6 58.5। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, अल्फा सॉल्व कर लेंगे, अब ये सॉल्व करके कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को यूज नहीं करना है, ओके (26.7)/8.5 यानी कि अल्फा जो है वो 0.456। कुछ गलत कर गया क्या मैं,
अलवाई पूछा है ना। ओके सॉरी मैंने नीचे गलत लिख दिया, नीचे क्या है 31.8 ही है ना, 31.8। हाँ तो क्या आ जाएगा 26.7 डिवाइड बाय 31.8, आंसर क्या होगा, दैट इज द जीरो पॉइंट 8396, यानी कि परसेंटेज अल्फा क्या होगा 83.96%। आंसर इज वन, ठीक है ना, आंसर इसका वन है, मे बी ऑप्शन में कुछ और भी दिया हो बट आंसर इज वन, ठीक है। ओके चलिए बेटा, और कोई डाउट, पचपन तो कोई कहता, हाँ 56 से 60 के बीच में कोई डाउट, ओके 57, हार्ड सेल ऑफ एन एग विल डिजॉल्व इन एसिटिक एसिड, देन एग विल subsequently placed in a saturated solution of NaCl. Okay, so तो जो सेल होता है बेसिकली किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको एसिडिक एसिड में क्या कर दिया गया, अगर डाला गया तो मतलब डिजॉल्व हो गया बोल रहा है, और डिजॉल्व होने के बाद उसको फिर से NaCl में डाला गया, तो अगर NaCl में डाल रहे हैं को, ठीक है ना, तो ऐसे समझो कि एगो को क्या किया आपने, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डाला, तो उसमें कुछ डिजॉल्व हो गया, उसमें पोर्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए, ठीक है ना। अब क्या किया, फर्दर इसको NaCl सोल्यूशन में डाला, तो NaCl सोल्यूशन में अगर डाल रहे हैं तो अब क्या होगा, आप मतलब इस तरह से एक STM बन जाएगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक काम करने लगेगा जो हार्ड जो सेल है। तो NaCl सॉल्यूशन में आपने डाला, तो
एक के अंदर भी क्या फ्लूड होता है और NaCl भी क्या है, एक फ्लूड है, NaCl सॉल्यूशन क्या है, फ्लूड है। तो पानी का मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा ये मैटर कर रहा है। ओके, तो 50 से मैं देखूंगा इसमें, क्योंकि ऐसे अगर मैं देखूं इसमें तो एक के अंदर जो है वो रिलेटिवली कम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। NaCl में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा है तो ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपको पता है ना, हाइपर से हाइपो की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, हाइपर से हाइपर से हाइपो की तरफ ही होता है। तो उस हिसाब से तो ए क्या करना चाहिए, पानी एक से बाहर जा रहा है। अच्छा, पानी एक से अगर बाहर जाएगा तो एक क्या कर जाएगा, एक विल श्रिंक। तो इसमें क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एग टू NaCl सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, एग विल एक क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का, हाइपर हाइपो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना था, और हाइपर से हाइपो की तरफ क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। ओके, तो 57 हो गया, अब क्या है 45। भी वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। वेन अ मैंगो स्प्लिट डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होता है, मैंगो से निकलता है पानी, तो क्या करेगा मैंगो, श्रिंक करता है, पिकलिंग जो करते हैं, अचार बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 61 से 65 के बीच में कोई डाउट, सिक्स से 71 के बीच में कोई डाउट, 67। चलिए 67 देखते हैं। वैल्यू अब ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, फिर आगे वही ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट एक्वाइज 65.4। ये तो सेम क्वेश्चन है जो NaCl होगा बेटा, क्या क्वांटा फैक्टर क्या होगा, तो वही नॉर्मल को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल बोलते हैं, और एबनॉर्मल को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑब्जर्व भी बोल देते हैं या एक्सपेरिमेंटल बोल देते हो। कितना है तो ऑब्जर्व 114.45 है, और ये कितना है 65.4। ये वांटा फैक्टर आ गया। डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है, तो पहले आई क्या होगा, 1 + n - 1 × अल्फा। अब एक्स वाई दो ही आयन से बना हुआ है, तो एन कितना होगा, 2। तो 1 +
2 minus 1 into alpha is equal to 1 plus alpha. तो I क्या है 114.45 बटा 65.4 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. वन पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना होगा 0.75 या 75%. ठीक है, 67. ओके, क्या आंसर होगा? आंसर इज ए. ओके, सामने कौन सा 66 आ गया शुक्ला, 66. चलिए 66 देख लेते हैं. अरे 66 में क्या, ये तो वही है. अ प्रॉपर्टी भी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट देयर नेचर. कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव. पूरी चैप्टर में कहानी पढ़ रहे हैं आर्य. ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है ना कि देयर नेचर पे, उनको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हमको लग रहा है पूरे चैप्टर में 50% तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा गया है आर्य. समझ आ गया 66. और कोई डाउट 71 तक? नहीं है सर. चलिए, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे आप लोगों ने बेटर ही किया है, और खासकर मेडिकल वाले स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया. और तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो एग्जाम. तो कल है 26 तारीख को कल, और मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन और मूल कॉन्सेप्ट 1 का आप लोग सारा क्वेश्चन क्या कर देंगे, सही कर देंगे. ठीक है, और कल ईमानदारी से पेपर आप लोग दीजिएगा, कोई घर पे ही दे रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आए वो हमें यही लगे कि हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि आप लोग की अपनी मेहनत से नंबर आ रहे हैं, ना कि कहीं अनर सोर्स से. इतना हम लोग को आप लोग पर विश्वास है. तो अगेन बेस्ट ऑफ लक और फर्दर. और 26 तारीख अब तो कल कोई डिस्कशन नहीं है, कल पेपर दीजिए थोड़ा सा और अपना काम वाम करिए. और फर्दर अब क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, बायो बैच का अलग डिस्कशन क्लास लगेगा और मैथ बैच का अलग डिस्कशन क्लास लगेगा. तो आई विल मैं बता दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि मैथ वालों का